है हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉपिक्स है जो कवर करूंगा कि आप इमेजेस एंड फोटोज़ को लैपटॉप टू मोबाइल में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग दिस यूएसबी केबल। इस यूएसबी केबल का यूज़ करके आप लैपटॉप टू मोबाइल में कोई भी इमेजेस या फिर फोटोज़ को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या दैट मीन्स हाउ टू ट्रांसफ़र images and photos from laptop to mobile। गाइस ये जो मैं आपको बताऊंगा ये काफ़ी एज अ बिगिनर लोगों के पास लैपटॉप तो होता है लेकिन उन्हें समटाइम्स बेसिस पे ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से फोटोज इमेजेस या फिर फाइल्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं लैपटॉप टू मोबाइल या फिर मोबाइल टू लैपटॉप में। इवन जब मैं बिगिनर था, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम लैपटॉप आया था मेरे लाइफ में, मैं काफ़ी डम था, मुझे बिल्कुल भी इसमें बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट उसमें मैंने ऑनलाइन वीडियोज़ भी देखे कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करते, बट वो मुझे इतनी हेल्पफुल नहीं लगे थे उस जगह से। बट वहाँ पर थोड़े दिन के बाद मैं खुद ही ट्राई करता गया, देन उसके बाद मुझे आज थोड़ा एडवांस टाइप फीचर्स आ जाता है। तो एज अ बिगिनर मैं आपको एज अ इजिएस्ट वे बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली लैपटॉप टू मोबाइल में कोई भी इमेजेस एंड फोटोज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो टिप्स है ये 2019 में वर्किंग था, इवन 2020 में, और आपको आगे भी ये लाइफ टाइम के लिए काफी यूज होने वाला है बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कुछ भी फोल्डर को ट्रांसफर करने के लिए। सो यूएसबी केबल तो आपको साथ में चाहिए, बिना यूएसबी केबल के आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। यूजिंग दिस यूएसबी केबल यू कैन ट्रांसफर एनी इमेजेस एंड फोटोज लैपटॉप टू मोबाइल और मैपटॉप टू मोबाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करने के लिए आपको यूएसबी केबल चाहिए। ये यूएसबी केबल कोई नहीं है, एक नॉर्मल मोबाइल का चार्जर है जो आजकल हर मोबाइल के साथ में आपको यूएसबी केबल मिलता ही है, तो इसी का यूज़ करना है। कोई भी आपको ओटीजी वीटीजी का यूज़ नहीं करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप है ये जो प्लग है इसको लैपटॉप से कनेक्ट करना है। सो लेट्स से कनेक्टेड, देन उसके बाद इस प्लग को अपने मोबाइल से कवर करना है। सो लेट्स है कनेक्टेड। तो जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पे मेरा जो मोबाइल का जो डेटा है वो वहाँ पे चले जाएगा और मोबाइल पे आपको ऊपर के साइड में कुछ एक नोटिफिकेशन आएगा। सो लेट्स अप्लग इट। ओके, तो वो रहा फोल्डर और यहाँ पे मुझे एक पी जैसा लोगो देखने मिल गया। तो पी यहाँ पे मैं ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होगा तो ये मैसेज आएगा आपको, उसके बाद ही आपको कुछ मैनुअली सेटिंग से करना पड़ेंगे, देन उसके बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे कुछ करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये ऑटोमेटिक पॉपअप होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही यूज़ है, बाकी वो है फाइल ट्रांसफ़र, बिकॉज हमें ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली यहाँ पे टैप करना है। तो जैसे टैप करेंगे तो वहाँ पे ये मोबाइल का जो स्टोरेज है वो वहाँ पे चले जाएगा। अब ये जो आपको यहाँ पे स्टोरेज दिख रहा है ये आला, ये मोबाइल का स्टोरेज है। तो सिंपली अब यहाँ पे बस ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक बार मैं एज अ एग्जांपल बेसिस पे गूगल से एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आपको कोई ऐसा फेक ना लगे। सो लेट्स मैं डाउनलोड करता हूँ एनबॉक्स थेरेपी। या सो इट ही इज़ एन यूट्यूबर, इज़ अ टेक यूट्यूबर, इज़ अ अमेरिकन टेक यूट्यूबर जो काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे। तो मैं इसकी इमेज उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ। सो ओके, तो ये इमेज को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। ओके, लेट्स जस्ट डाउनलोड दिस इमेज। तो हो गया, अभी यहाँ पे सिंपली वो इमेज डाउनलोड हो चुका है। सो लेट्स ओपन इट और यहाँ पे मैं डाउनलोड हुआ तो डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँगा और ये रहा वो इमेज, आई शो यू। तो ये रहा वो इमेज, तो सिंपली मैं इस पर टैप करूँगा। अभी इस इमेज को, ये जो इमेज अभी यहाँ पे पॉपअप होगा, इस इमेज को मैं मोबाइल में ट्रांसफ़र करूँगा लैपटॉप से। सो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ ट्रिकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस इमेज को हमें ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली जो भी इमेज को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस पर एक बार आपको टैप करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे के साइड में एक यहाँ पे कीवर्ड होगा, कीवर्ड पे आपको कंट्रोल और सी करना है। पहले इमेज पे टैप करना है जिसको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, देन उसके बाद कीबोर्ड में
कंट्रोल और सी करना है। देन इसके बाद ये नीचे के साइड में ये मोबाइल का फोल्डर है, ये इन्फिनिक्स हॉट 7, ये मेरा मोबाइल है जिसको मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया है। ये इसका फोल्डर ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप हो जाएगा जैसे आप यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है और ये जो स्टोरेज है ये मेरे मोबाइल का स्टोरेज है, तो सिंपली मैं इस पर टैप करूँगा। देन इसके बाद ये जितने भी सारे फोल्डर्स हैं ये मेरे मोबाइल के फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो एकदम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये व्हाट्सअप का फोल्डर है यहाँ पे, तो सिंपली मैं इसको ये व्हाट्सअप के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं मीडिया, इस मीडिया के ऑप्शन पे मैं टैप करूँगा और यहाँ पे मैं कहाँ पे पेश करूँ, सो लेट्स व्हाट्सअप इमेजेस फोल्डर, यहाँ पे मैं सिंपली इसको कंट्रोल और वी कर देता हूँ। तो कंट्रोल वी से आपका जो इमेज है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल वी जैसे करूँगा देन यहाँ पे वो इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3, तो ये रहा वो इमेज, ये देखो ये आ चुका है इमेज अनबॉक्स थेरेपी। तो अभी लेट्स मैं इस इमेज को एक बार ओपन कर लेता हूँ, ये आ चुका है मोबाइल में। तो ये रहा वो इमेज, अभी सिंपली मैं इसी इमेज को यहाँ पे मोबाइल में ओपन करूँगा। तो ये हमारे मोबाइल में आ चुका है, लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं, गैलरी में जाता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो ये रहा वो इमेज, ये रहा यही वो इमेज है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको मे भी आज के आपको तो पता है कि गैलरी में जब भी कुछ लेटेस्ट रिसेंटली प्रोडक्ट आता है तो उसके पीछे आपको नोटिफिकेशन आता है, यानी कि जैसे कि ये दिसंबर में मैंने क्लिक किया था, देखो यहाँ पे जनवरी में ये इमेज डाउनलोड किया था और ये टुडे, ये है आज का और ये है वो अभी, अब ये जो इमेज है जो मैंने ट्रांसफ़र किया, यू कैन सी दैट सेम इमेज है, कोई आपको चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। Isn't it cool? तो गाइस ये इसी तरीके से ही आपको ईजीएस्ट वे में आप लैपटॉप से मोबाइल में या फिर मोबाइल से लैपटॉप में कोई भी इमेजेस, कोई भी फ़ोटोज़ को ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो वे है एकदम ईजीएस्ट वे है गाइस, आपको ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं करना है। और जैसे आप कुछ भी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ये एक ही फोल्डर में जाएगा, जैसे आप मोबाइल का जो भी फोल्डर होता है जब भी आप कुछ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक ही फोल्डर में आपको ज़्यादा जाना है। अगर आपको कुछ फाइल, एक मैं आपको छोटा सा यहाँ पे टिप देना चाहूँगा, अगर कभी भी आपका बाई चांस कोई आपको फाइल यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च करते हैं लेकिन आपको नहीं मिलता है, तो आपको सिर्फ एक ही फोल्डर है जिसमें आपका फाइल जो भी हिडन होगा, वीडियोस, फोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स, वो आपको एक ही फोल्डर में दिखेगा जिसका नाम है DCIM, ये इसी फोल्डर में छुपा है। सो लेट्स मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये है वो फोल्डर DCIM। यस, ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज एज अ बिगिनर ये हमें नहीं पता होता है कि कौन से फोल्डर में हमारा वीडियोस फोटो जा रहा है। तो सिंपली DCIM करके फोल्डर होता है, उसमें ही आपका जो भी हिडन फोटोज़ है, हिडन वीडियोस है जो आपको नहीं मिलता है, वो आपको DCIM के फोल्डर में इजीली देखने मिल जाएगा। तो गाइस इसी ये जो टिप्स है बहुत ही ज़रूरी है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट ऑफ द जो बिगेनर होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। इसी तरीके से आप वीडियोज़, फाइल्स और सबसे मेन फोटोस, इमेजेस को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है तो भी सेम है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सीधा वे, उसका आपको उल्टा करना है। मोबाइल के फोल्डर में जाना है, इमेज सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद कंट्रोल सी माय पीसी में जाना है, जो फोल्डर में आप पेश करना चाहते हैं वो फोल्डर में जाना है, देन कंट्रोल वी, देन ट्रांसफ़र। तो ये काफ़ी ईजीएस्ट वे है, इसी तरीके से आपको कोई भी फोटोस, इमेजेस को ट्रांसफ़र करना है। सो दैट्स इट, so I hope you like this information and if you like it so that would be very 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 appreciation for me sir. I hope I taught you something new. Thank you and have a good day.